भेड़िए के आदमखोर बनने की खबर आजकल नेशनल मीडिया में छाई हुई है। प्राइम टाइम में भी एंकर आपको इसी पर बहस करते हुए दिखाई देंगे। वैसे भेड़िए का आतंक सिर्फ बहराइच और सुल्तानपुर में ही नहीं, पूरा यूपी और बिहार इस वक्त भेड़िए के आदमखोर बन जाने के दहशत में डूबा हुआ है। यूपी बिहार में भेड़ियों के आतंक पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम भी अब एक्टिव हो गई है और इसके ठिकानों पर कई जगहों पर पिंजरे भी लगा दिए हैं। इन पिंजरों में मांस लटकाए गए हैं ताकि मांस खाने के लिए जब भेड़िए आए तो वे पिंजरे में फंस जाएं। मौके पर वनरक्षी कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ भेड़िए हैं लेकिन ये सीआर है, उसके साथ कई बच्चे भी हैं और उसे कब्जे में लेने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। अन्य कई जगहों पर भी कई पिंजरे लगाए जा रहे हैं। सीआर इसी कैंपस में कहीं छुपा हुआ है लेकिन इन लोगों को अभी पकड़ा नहीं गया है क्योंकि वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक गांव नहीं है, ऐसी खबरें यूपी के कई गांव से सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको सुल्तानपुर का मामला बताएंगे। रात के समय जब माँ के पास से दुधुही बच्ची सो रही थी, उस वक्त भेड़िया आया और बच्ची को माँ के पास से घसीट कर ले गया। जब बच्ची जोर जोर से रोने लगी तो माता पिता ने दौड़कर डंडे से भेड़िए को भगाया और बच्ची को बचा लिया। तुरंत घायल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, बच्ची के सर पर गहरी चोट थी। अगला मामला हमीरपुर का है जहां सीआर ने दो बुजुर्गों पर हमला कर दिया। हमीरपुर के सरीला वन रेंज के बिलपुर गांव में सीआर ने दो बुजुर्गों पर गंभीर रूप से हमला करके उन्हें घायल कर दिया और ये मामला हाल ही का है। जैसे ही गांव वालों की नजर पड़ी उन्होंने तुरंत डंडा लेकर भेड़िए को तोड़ा लिया और पीट पीट कर मौके पर ही उसे मार दिया। फिलहाल दोनों बुजुर्गों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाराबंकी से भी ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ भेड़िए ने दो पर बड़े ही बेरहमी से हमला बोल दिया। बकरी चराने गए किशोरियों में से एक पर भेड़िए ने हमला बोल दिया। वह अपने बचाव के लिए जोर से भागी और जमीन पर गिरकर घायल हो गई। वहीं उसे बचाने के लिए भागा एक किसान भेड़िए का शिकार हो गया, भेड़िए ने उसे घायल कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बहराइच गांव से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहाँ एक 5 वर्षीय बच्ची अपनी दादी के साथ सो रही थी। अचानक भेड़िए ने बच्ची पर हमला कर दिया, उसे खींच कर ले जा रहा था कि उसकी दादी ने भेड़िए से छुड़ा लिया उसे। 5 वर्षीय अफसाना को उसकी दादी ने बचाकर अपने सीने से लगा लिया। इस घटना में बच्ची बच गई और दादी भी। आपको बता दें उत्तराखंड में साल 2022 में मानव पशु संघर्ष से जुड़े 700 मामले सामने आए। वहीं 2024 की शुरुआत में 3 लोगों की मौत और 15 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। हिमाचल प्रदेश में तेंदुए के हमले से मौत के 34 मामले और चोट के 350 मामले थे। बाकी खबरों के लिए और अन्य जानकारी के लिए और बाकी सारे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी के साथ।